वहीं खबर मध्य प्रदेश के हंडिया से है, जहां हंडिया तहसील सहित आधा दर्जन गांवों के ग्रामीण जल संकट की मार झेल रहे हैं। भीषण गर्मी में ग्रामीण पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। वहीं करोड़ों रुपए खर्च कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर पेयजल टंकी व पाइपलाइन डालने का कार्य कराया गया, लेकिन निर्माण के बाद कई वार्डों में आज तक एक बूंद पानी नहीं पहुंच पाया है, जिसके चलते रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या जैसे आजाद झुकी झुकी आवास कुछ आता ही नहीं है, नहीं नाम ही नहीं आ रहा। जहाँ नल लगा उसका भी कुछ प्रोवाइड नहीं हो रहा है, पंप से पानी ला रहा है, पानी का भी नंबर नहीं लगा। हमारे मैं नारायण चौहान हड़िया से, करीब करीब 50 साल से ऊपर हो गया हमको, क्या ना कुछ पंचायत सुविधा ना सरकारी सुविधा। आज 18-20 महीने हो चुके हैं ये पाइपलाइन गाड़े को, अभी तक एक बूंद पानी नहीं आया है। जब भी अभी इतना कठिन गर्मी हो रही है, होने के बाद भी अभी तक हम प्यासे, कोई पानी नहीं मिल रहा हमको। यहाँ पे सरकार ने कहीं वो दूसरे हेडपम्प जा रहे हैं, कहीं वो नल पर जा रहे हैं, भाग भाग के हम पानी ला रहे हैं। जब दिए और कोई एक मैडम आई थी भोपाल से, उसने भी हमारे ले गई है। हमें यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, ना आवास की है ना पानी की है, सभी दूर। हमने पंचायत में भी शिकायत करी, भोपाल में भी करी, पर उसके बाद भी कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। और पूरे गांव में नल आ रहे हैं और हमारे इधर नल की कोई वो नहीं। चाहिए है कि हमारा घर बार सब कच्चा मकान है, हमें झुग्गी झोपड़ी नहीं मिल रही और पानी की भी समस्या है।